हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं आज। वीडियो है 2 से 7 दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप कैसे यूज़ करेंगे स्ट्रीक के ऊपर। बड़े कमाल की स्ट्रेटजी बनती है स्ट्रीक पर, आप इसको लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया सिग्नल जनरेट करती है। स्ट्रेटजी को हमने बहुत ही सिंपल रखा है और इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको लॉस मिले तो मिनिमम मिले और प्रॉफिट मिले तो मार्केट डिसाइड करे कि वो कितना देना चाहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया क्या क्या कवर करने वाले हैं आज हम। तो हम टॉपिक करेंगे भी स्ट्रेटजी क्या है, दूसरा हम कवर करेंगे कि इसको चार्ट पे कैसे लगाना है, एक्सप्लेन करेंगे पूरी स्ट्रेटजी चार्ट पे, एक बार देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है, और तीसरा इसमें देखेंगे स्ट्रेटजी को स्ट्रीक पे कैसे लगाना है। एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना स्ट्रीक, उस पे हम इसको कैसे लगाएं और स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे। लास्ट हम कोशिश करेंगे कि 3 साल या 4 साल तक आपको डाटा बैक टेस्ट कराए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि कोई स्ट्रेटजी अगर इतने टाइम से काम कर रही है तो आगे भी काम करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। और लास्ट हम इसको लाइव करके देखेंगे स्ट्रीक के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, स्ट्रेटजी जो डिज़ाइन की गई है बेसिकली लॉन्ग साइड पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दूसरा यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि हाईली अपट्रेंड स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को आप कंसीडर करिए, और साथ में आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, जैसे कि रिलायंस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, TCS ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर करना है जो अपने अधिकतम मूल्य यानी उसका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ऊपर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऊपर तक आपको दिख रहा है, राइट। तो ऐसे स्टॉक पे आपको कंसीडर करना है, और ऐसे स्टॉक्स में आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से वो लगातार अप ट्रेंड में ही दिखेंगे ज़्यादातर, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। और ये जो स्टॉक है बजाज फिनसर्व का है, और ये जो स्टॉक है ये कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में है, हाईली अप ट्रेंड में स्टॉक्स है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और कॉन्टीन्यूसली हमें कई सालों से ये बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हम अगर बैक टेस्ट करें पिछले 3-4 साल का तो आप इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अब स्ट्रेटजी क्या है। देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब स्ट्रेटजी जो है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जो हमें ट्रेंड फॉलो करके बताए। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में, स्टॉक अप ट्रेंड में, और उसी के यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम सारे ट्रेड क्या लेंगे, बुलिश साइड के लेंगे। और हमने एक ट्रेंड फॉलो इंडिकेटर लगाया जिसका नाम है पैराबॉलिक सार। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लगाएंगे, कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करी है, बिल्कुल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो सेटिंग्स है वो बिल्कुल ही सेम सेटिंग हमने रखी है। थोड़ा सा हम स्टाइल को कस्टमाइज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे, राइट। तो ये लग गया हमारे पास पैराबॉलिक सार। तो जब भी मार्केट ऊपर होता है तो ये देखिए ये नीचे बनने स्टार्ट हो जाते हैं इसके, ये सपोर्ट देते रहते हैं, और जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो ये ऊपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये आपको बताते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड चल रहा है, फिलहाल जो मार्केट चल रहा है वो कहाँ चल रहा है। बीच में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हमें दिख रही है, लेकिन आपको बहुत ऐसे सिग्नल्स भी मिल जाते हैं जो कमाल का प्रॉफिट देने में कैपेबल है, राइट। तो ये दोस्तों हो गया हमारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। अब इसके साथ हमें करना क्या है, देखिए हमने ट्रेंड तो फॉलो कर लिया, अब ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि भैया बाज़ार हल्का सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो यानी कोई तो चीज़ ऐसी हो जो हमें स्ट्रेंथ दे दे। तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, RSI। तो इस बार भी क्या करेंगे, हम RSI को ही यूज़ करेंगे। तो लगा लेते हैं RSI को। अच्छा ये जो चार्ट है ना, ये जो हमने लगाया है ज़ेरोधा के अंदर, ये चार्ट कैसे लगाना है ज़ेरोधा में, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, स्ट्रीक का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ज़ेरोधा का ब्रोकर है, आपने ज़ेरोधा के अंदर अकाउंट ओपन कराए हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ओपन कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बार बार आपका सवाल आता है कि भैया ये स्ट्रीक क्या दूसरे ब्रोकर पे अवेलेबल है, नहीं है, तो ज़ेरोधा में ही अवेलेबल है, वहीं मिलेगा। चलिए तो ये लग गया हमारे पास RSI। तो 14 मिनट का RSI है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लगाया है। अब इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना है। स्ट्रेटजी क्या कहती है, हमें कब बाय करना है, बाय करना है दोस्तों जब RSI 55 को क्रॉस कर दे, ठीक है। और हमने एक लेवल लगाया नीचे का, वो है 48, यानी हम एग्जिट करेंगे जब वो 48 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करे। हम बाय करेंगे कब, हम ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे जो 55 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, यानी क्रॉस अबव कर दे, राइट।
तो ये दोस्तों लग गया हमारा। देखिए जो बीच के जो लाइन दिख रही है ना आपको, अब ये भैया 55 से लेकर के 48 का बीच का जो है, जो आपको यहाँ पर फील दिख रहा है जो कलर, वो ये लेवल है। अच्छा अब स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। 55 का लेवल क्रॉस होना चाहिए RSI का, और जो हमारा पैराबोलिक सार है, जो पैराबोलिक सार है वो भी बुलिश होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 55 क्रॉस करा था बाजार ने इस पॉइंट पे, देखिए इसको ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको ध्यान से दिख रहा हूँ। जैसे कि आप ये वाला लेवल देखिए, यहाँ 55 पे क्रॉस हुआ RSI ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ, और यहाँ पर देखिए ये भी बुलिश दिखा, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। एग्जिट पॉइंट क्या बनेगा, एग्जिट पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। तो एग्जिट पॉइंट है दोस्तों हमारा ये, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये वाला लेवल, तो यहाँ पर हम एग्जिट तब करेंगे जब यहाँ पर ये बेरिश हो जाएगा, हमारा पैराबोलिक सार बेरिश दिख रहा है, और साथ में जो लेवल है RSI का वो 48 से नीचे जाएगा। 48 का जो लेवल है उससे नीचे क्लोजिंग दे देगा, जैसी लेवल वैसे हम एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ से, वो लगभग यहाँ तक दिख रहा है, यानी आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट गेन करा। एक कितने दिन की ट्रेडिंग में, कब ट्रेड लिया था, 9 तारीख को ट्रेड लिया था, एग्जिट कब हो गए, बीच में छुट्टी भी थी मेरे ख्याल से 2 दिन की, तो यहाँ पर 2-3 दिन का हॉलीडे था, तो अप्रोक्स आप 5-6 5-7 दिन के अंदर एग्जिट हो गए, 4-5 दिन के अंदर एग्जिट हो गए। आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो ज़्यादातर आपको ऐसे ही सिग्नल देगा, बहुत ही रेयर चांस में जो आपके ट्रेड्स हैं वो लंबे जा सकते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे, 15 दिन 20 दिन बहुत ही रेयर होते हैं। ज़्यादातर जो आपके जो ट्रेड्स हैं ये 2-4 5 दिन के अंदर ओवर हो जाते हैं, फैसला आ जाता है भैया जीते या हारे। टाइम ना खराब करते हुए दोस्तों फटाफट से स्ट्रीक पे लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा और क्या बैक टेस्ट का रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म आ गया, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेरोधा का अकाउंट अगर आपके पास ओपन है तो डायरेक्ट जेरोधा के थ्रू लॉगिन करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्रिएट कर लेते हैं, कैसे क्रिएट होगी, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको ऐसे स्टॉक्स लगाने हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, बुलिश हो, हाईली बुलिश स्टॉक्स हो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स होने चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ नोट करके रखे हैं, बाकी आप किसी भी स्टॉक्स को लगा लीजिए। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग स्ट्रीक पे वीडियो बनाते हैं तो वो ही स्टॉक पे बैक टेस्ट करते हैं जिसपे रिजल्ट अच्छा आ रहा हो। मैं आपको कहता हूँ निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को चेक कर लो और आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर। चलिए अब यहाँ पर हमने लगा लिया पहले तो कोटेक बैंक, हाईली अप ट्रेंड स्टॉक, दूसरा हमने लगा लिया ICICI बैंक, सारे जो स्टॉक्स है ये हाईली अप ट्रेंड में है। तीसरा हमने लगा लिया बजाज फिनसर्व का, बजाज फिनसर्व ठीक है, और फोर्थ हमने लगा लिया अल्ट्रा, और एक हमने लगा लिया UPL, दूसरा हमने लगा लिया ITC, और एक है हमारे पास HDFC बैंक, ये भी एक हाईली अप ट्रेंड में है। उसके बाद TCS, रिलायंस तो सभी जानते हैं, ये तो निफ्टी की पावर है, जान है, बीम है, और एशियन पेंट, ये मैंने नोट करके रखे हैं ऑलरेडी, एशियन पेंट, और एक हम लास्ट लगा लेते हैं रिलायंस, राइट। चलिए कुछ ये लग गया हमारे पास, 10 स्टॉक्स लग गए, राइट। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, बाय करेंगे क्वांटिटी जो आप चाहें। बाकी एंट्री एंट्री जैसे हमने बोला कि भैया पैराबोलिक सार जो क्लोज है, क्लोज प्राइस हायर देन होना चाहिए, हायर देन मतलब भैया पैराबोलिक सार के ऊपर होना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है। तो डिफॉल्ट सेटिंग में ही डन कर रहे हैं। अदर हम लगाएंगे RSI, जो RSI है भाई, RSI का सारा खेल है यहाँ पर, वो क्रॉस अबोव कर देना चाहिए, कितने के नंबर लगा लेंगे यहाँ पर फटाफट से 55। जैसे 55 क्रॉस करे तो वैसे हमें ट्रेड का सिग्नल मिले, एंट्री का सिग्नल मिलेगा। एग्जिट कब करना है, एग्जिट की जो कंडीशन है वो लगा लेते हैं। भैया जो क्लोज है, क्लोज प्राइस है वो लोअर देन होना चाहिए, किसके, पैराबोलिक सार डिफॉल्ट सेटिंग वाला, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमने क्या लगा ली कि भैया जो RSI है 14 पीरियड का, वो क्रॉस बिलो कर जाना चाहिए, कौन से नंबर के,
48K, यानी हम एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जहां से हमें यह अंदाजा हो या एक चांसेस हो कि बाजार शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो सकता है। 50 पे कई बार टच करता है तो नॉइज मिलती है, इसलिए दो पॉइंट्स नीचे रखा है 48, ताकि थोड़ी सी नॉइज तो कम हो जाए, राइट। तो सिंपल सा सेटअप है भाई, स्ट्रेंथ मिल जाएगी 55 पे, हमें अंदाजा है यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म का है वो बुलिश है, मेन ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है, क्योंकि हमने पहले ही ऐसे स्टॉक चुने हैं जिनका जो ट्रेंड है वो बुलिश हो। तो बुलिश मार्केट में, हाईली बुलिश मार्केट में शॉर्ट टर्म का बुलिश जो पार्ट है वो ढूंढने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा, इसको हम बिल्कुल क्या कर देते हैं, 99% कर देते हैं, क्योंकि भैया 99% नीचे नहीं गिर सकता, 99% ऊपर नहीं गिर सकता। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। जो मेन रोल है वो रहेगा इसका भाई, ये जो कंडीशंस मैच होगी तभी आपको एग्जिट मिलेगा। स्ट्रेटेजी रख लेते हैं, माई गोल्डन रूल जो आप चाहे, और इसको एडवांस सेटिंग में थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ सकती है, उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है पोजिशनल है, चाहे आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो लॉट साइज में भी आपको ये पोजीशन ही लेनी पड़ेगी। तो 9:15 से लेकर हम इसको कर लेते हैं 3:30 तक, क्योंकि स्टॉक्स पे ही काम कर रहे हैं, और इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है फटाफट से देखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। ये देखिए TCS दिया 27%, कॉटेक ने थोड़ा सा लॉस दिया, ICICI ने दिया 7% के आसपास, बजाज वाले ने दिया 37, और अल्ट्रा ने दिया 9, रिलायंस ने बहुत बढ़िया दिया 42%, क्या कमाल का इसमें देखने को मिल रहा है। UPL 28%, एशियन पेंट ने 9% दिया, ITC ने 9% दिया। अच्छा, इसमें क्या है कि जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कॉटेक ने नहीं दिया और एशियन पेंट ने नहीं दिया, तो एक बार ना पीछे भी टेस्ट कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि पिछले साल इन्होंने अच्छा दिया होता है, और हर स्टॉक हर बार अच्छा नहीं देता, ज़रूरी नहीं है, कई स्टॉक कई बार कम देते हैं, कई स्टॉक कई बार बहुत बढ़िया देते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसी बाजार की कंडीशन थी, कैसी स्टॉक की कंडीशन थी, उस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी स्टॉक खोल लीजिए, जैसे कि हम TCS को ओपन कर लेते हैं, इसकी डिटेलिंग चेक कर लेते हैं क्या डिटेलिंग है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए पूरे साल, देखिए ये जो टेस्ट हो रहा है ना, ये एक साल का हो रहा है, और एक साल में सिर्फ 30 सिग्नल्स मिले, 30 सिग्नल्स में भी 16 तो विन थे, यानी 50% एक्यूरेसी आ गई। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स देखें, तो यहाँ पर आप उसको वॉच करिए, तो यहाँ देखिए 4 जुलाई 2018 को ट्रेड में एंटर करे थे, बाय हुआ, और 9 जुलाई को सेल हो गया, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया आपका। फिर 11 जुलाई को फिर एंटर हुए, फिर 19 जुलाई को फिर आप एग्ज़िट हो गए, फिर आप एंट्री हुई 20 जुलाई को, फिर 25 जुलाई को एग्ज़िट हो गए जिसमें लॉस हुआ था, फिर आप एंट्री हुई 1 अगस्त को, फिर 7 जुलाई को एग्जिट हो गया। यानी ज़्यादातर तो जो आपको सिग्नल्स है वो 2, 4, 5 दिन, 7 दिन के ही मिल रहे हैं, बीच बीच में आपको 10 दिन, 12 दिन का जो है ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपके जो 2 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर आपका ट्रेड क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इससे ज़्यादा लंबा देखने को नहीं मिल रहा। साथ में अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम गेन जो है 15,000 के अप्रोक्स था, मैक्सिमम लॉस 5,000 के अप्रोक्स था, तो यहाँ भी एक अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें दोस्तों एक बार पैरामीटर चेंज कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि भैया क्या सिर्फ इसी साल काम कर रहा था या पिछले साल भी काम कर रहा था। तो ये 2018 से 2019 का बता रहा है, मिड 2018 से मिड 2019 तक। अब जो है मिड 2017 से हम कंसीडर कर लेते हैं, और पिछले एक साल का हम चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो TCS ने पिछली बार 27 दिया था, इस बार 13 देखने को मिल रहा है, कोटेक ने लॉस दिया था, कोटेक ने इस बार प्रॉफिट दिया, और यहाँ पर बजाज फिनसर्व ने 46%, बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है, और रिलायंस ने भी पिछली बार भी दिया था, इस बार भी अच्छा दिया 18% का, HDFC ने 17%, और UPL, एशियन पेंट और ITC, इन तीनों ने लॉस दिया। अच्छा, आप अगर यहाँ चेक करो तो इन 3-4 जो स्टॉक्स में लॉस हुआ है, उन सबको सिर्फ बजाज फिनसर्व ने कवर कर लिया है, सिर्फ एक स्टॉक ने इन सभी के लॉस को कवर कर लिया, और बाकी जितने स्टॉक्स हैं वो सारे प्रॉफिट में जाते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, तो सिर्फ एक साल में आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता, 13% ही नहीं मिलता, आपको कई गुना ज़्यादा मिल जाता। और यही ब्यूटी है इस स्ट्रेटेजी की, कि छोटा टाइम लगता है, 2, 4, 5 दिन, 7 दिन की ट्रेडिंग होती है,
स्टॉप लॉस भी छोटा ही है। तो जैसे ही दोस्तों कंडीशन जो है आपके अपोजिट हो गया, आप एग्जिट हो जाओगे बहुत जल्दी और प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलने के चांसेस आपको ज्यादा रहते हैं। फिर चेक कर लेते हैं दोस्तों और एक साल पीछे देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट देखने को आ रहा है। तो यहाँ बैक टेस्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए TCS ने फिर प्रॉफिट दिया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट देता हुआ आ रहा है 16%। ICICI भी प्रॉफिट देता हुआ आ रहा है, कोटक बैंक प्रॉफिट दिया इस बार, लेकिन ना लगातार बहुत अच्छे जो है रिटर्न नहीं देखने को मिल रहे। बजाज वाला देखिए 76% देखे गया, सिर्फ एक साल का टेस्ट हो रहा है ये, और इस एक साल में देखिए सभी ने बढ़िया करा, कोई भी जो स्टॉक है कोई भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देखे गया, बढ़िया आपको ट्रेडिंग देखने को यहाँ मिल रही है। अब एक काम करते हैं, अब इसको लाइव कैसे करना होता है स्ट्रिक पे वो चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं सिंबल, मैंने इसको क्लिक करा तो ये सभी सिलेक्ट हो गए, मुझे सभी पसंद है, मैंने सभी सिलेक्ट करे। बाकी आप बैक टेस्ट करिए घर पे बैठ के, सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स को नहीं, निफ्टी 50 के और भी जो स्टॉक्स है जो हाईली अप ट्रेंड में, उनको सेम स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट करके देखिए, इनको डिप्लॉय कर लेते हैं। जैसे आप डिप्लॉय करेंगे तो ये आपसे कुछ पूछेगा, भैया कैसे ऑर्डर टाइप है, भैया हमें तो CNC नॉर्मल पे चाहिए, रेगुलर और कंफर्म। एंट्री एग्जिट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोबारा, क्योंकि कई बार स्ट्रैटेजी अगर गलत लाइव होगी तो गलत सिग्नल जनरेट होंगे, जब तक आप समझ पाएंगे तो कुछ लॉस आपको हो चुका होगा। तो ये हो गई लाइव, जैसे ही कंडीशन मैच होगी एंट्री की आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करना है, ट्रेड एंटर करना है। जैसे ही एग्जिट की आपको कंडीशन मैच होगी नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करना है, एग्जिट करना है, आपको सिर्फ इतना काम ही यहाँ रह जाता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइए, मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।